ओडिचा में ऐसी चीज है जो तुम्हें 10th में आकर देना होता है, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है। ओ सॉरी, अभी दिया नहीं है बल्कि देने वाला है। खैर छोड़ो, जब मैं 10th क्लास में आया तो मेरे बड़े भैया ने बताया कि 10th क्लास कितने अहम होते हैं। देख बाबू, बोर्ड एग्जाम कोई चिल्लर एग्जाम तो है नहीं, अगर तुम्हारे एग्जाम नहीं निकले तो समझ ले तेरी जिंदगी छपरी विवेक जैसी हो जाएगी। ये विवेक कौन है? विवेक तो मेरा क्लासमेट था, लोग कहते थे वो टॉप करेगा लेकिन वो फेल हो गया। अच्छा हाँ, और लोग तो ऐसा भी कहते थे कि उसके फेल होने के पीछे किसी का हाथ था, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ता था नहीं तो फेल ही ना होगा। और ऐसे समझाए मेरे बड़े भैया ने कि बोर्ड कितने अहम होते हैं। बट चल विवेक, मैं तो एनिमेशन वीडियो देखूंगा। फिर एसन देखने बैठ गया, एक खत्म होता मैं दूसरा चलाता, दूसरा खत्म होता मैं तीसरा चलाता, ऐसे करते मुझे 6 महीने हो जाते। कितना नालायक बेटा है आपका, कुछ सिखाते हो खाते हो या नहीं, फर्स्ट टेस्ट में ही फेल हो गया। लेकिन ये तो दिन भर कार्टून देखता रहता है। कार्टून? पापा उसे कार्टून नहीं बोलते। चुप रहना नालायक। देखिए फ्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अगर उसमें नहीं फर्स्ट आया तो मैं नहीं देने वाला इसको हॉल टिकट। सर की ये बात सुनकर मुझे लगा अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। फिर मैं अपने दोस्त रवि के पास गया और सुन रवि, क्या भाई मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। चल मैं नहीं देने वाला अपने नोट्स। भाई ये रवि में कितना एटीट्यूड है साला, अपना नोट्स ही नहीं दे रहा था, अकेले मिल जाए कभी साले को छोड़ूंगा नहीं। वो मैं क्या कह रहा था, रवि नो बेस्ट है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ यार, और रवि तो एक बार मेरा एग्जाम में हेल्प भी किया था, मेरे को एक आंसर नहीं आ रहा था तो उसने बताया। तो ऐसे करके थोड़े लफ्फों के बाद मुझे तो नोट्स मिल गए, पर मोटिवेशन अभी भी गायब था। ओए छोटू, मुझे टॉपर बनना है। तुम नहीं बन सकता यार। क्यों, मैं टॉपर क्यों नहीं बन सकता? देख तुझ में टॉपर बनने जैसी ड्रीम नहीं है भाई, ऐसा नहीं बोल सकता तू। ठीक है ये तेरा मंचूरियन है, समझ ले ये तेरा मार्क्स है। ओके ये मेरा मार्क्स है, जा बचा ले अपना मार्क्स। मेरे मार्क्स? भाई तू सही बोल रहा था, मैं टॉपर नहीं बन सकता। बाय, सेकंड पॉइंट कमिंग सून।